राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पलगी के अधीनस्थ ग्राम केकर झारिया में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र जहां पर कोड़ाकू और पंडो जनजाति के लोग निवास करते हैं, आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। केकर झारिया के कोड़ाकू और पंडो पारा के लगभग 30 से 40 घर के लोग नाले के दूषित कीटाणु युक्त पानी पीने को मजबूर है, जिससे वहाँ के लोग आए दिन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। वहीं बरसात और गर्मी के दिनों में पानी पीने और एवं घरेलू उपयोग के लिए काफी दूरी तय करके पानी जुटाते हैं, क्योंकि बरसात के समय नाले में गंदे पानी भर जाता है और गर्मी में नाला सूख जाता है। क्या नाम है तो? कालिया। कालिया। कहाँ? कौन सा मोहल्ला में तो घर है? लामी टोला। ग्राम पंचायत पलगी। क्या समस्या है तुहर? का समस्या है? यही पानी पिए खातिर बड़ी तकलीफ है। का समस्या? बोरिंग आयल तो सब जनरल मन सब अपन दूरा दिन ले जाते हैं, हमर दिन दवाइयों करे के बोरिंग नहीं गाड़े थे होते हैं। कौन कोड़ाकू परम तुहर घर है? समस्या है तो हमारे समस्या ये बाजे पानी पियला बड़ी दिक्कत बा, रोड भी बड़ी दिक्कत बा, बाढ़ उतर जाला तो यहाँ डेगे ला पार मौका नहीं मिले तो रात भर रह जाला आदि बाड़ ओहरी तब न भाई पार हो। चंपा काला वाला तो सब अहिरे ले जाला, उन्होंने खेरवारे अहिर गौने के सब रहला, और कोरवा पर आके तो सब अब रही ही रहला। जरे कोरवा के कौन दी कोड़ा को कौन दी? आदिवासी कोई देखबे नहीं करस गरीब के, ये दुख से मरत ही। यदि खन पानी बाढ़ उतरे लागल तो हमन पहाड़ देने जाए ला, जो चूहरा में चली सफा पानी खोजे तो सफा पानी थोड़ो आषाढ़ में मिली, नहीं ना मिली। ये समस्या बा हमन के, मने जेना ही वहाँ नहीं कोरटी पर नहीं गड़ेगा चार गो खत ऐसे तो कहे नहीं गड़ी चार गो रही तू नहीं पानी पी नहीं दाना खाए। तो तुमन मोहल्ला में कितना घर है? तुमन के मोहल्ला में हमन के घर है जगह बहन 10-15 गो। 10-15 गो। हाँ सब तुम नदी से पानी पी? हाँ सब हमन नदी से पानी पीती। यार तब तिरपुंडा जाए तो गाड़ी धरब, रोड नहीं खे, रोड नहीं खे, ये ना हमन कभी बनल है ये नहीं खे। चला हैंडपम्प के बाद तुमन कहीं कोई नेता मंत्री से कहे? कोई नहीं देवल है। कहे रहा तो का कहीं नदी का पानी पियो कि तालाब के पानी पियो? तालाब के पानी पियो। कौन बोले रही छे से? भाई जोन नेता बड़न तोन बोल रहन तो नाम है ना कौन का नाम है? नाम तो है ये बात है, राम विचार बोल रहे है। कौन बोल रहे? राम विचार बोल रहे। का बोल रहे? ये नलाक पानी पियो। सरगत ग्राम पंचायत पलगी पारा केकरझरिया है, जो विशेषकर अपने ग्राम पंचायत पलगी के अंतर्गत केकरझरिया आता है, और केकरझरिया में विशेषकर जो मेन रोड से जो जोड़ती है रास्ता, ये एकदम नहीं के बराबरी है। इसमें जो मान लीजिए किसी का जर बुखार हो गया है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। विशेषकर तो अपने देहात में जो हल जोतने वाले बैल हैं उसको भी पार करने में इस घाट में बहुत दिक्कत होता है। और विशेषकर मान लीजिए अपने यहाँ इस क्षेत्र में मैं अपने परिवार जो है मितानिन है, डिलीवरी केस लेने के लिए मान लीजिए हम अपने को ले जाना होता है, तो यहाँ से हमें लगभग मेरे को आधा घंटा तैयारी करना पड़ता है, और 2 घंटा का लगभग इसको घुमा कर ले जाना पड़ता है उधर किनारे किनारे अपने डोली या खाद के माध्यम से। और इसी तरह से लगभग ये 4 या 5 जो नदी नाला है उसमें इसमें पानी वगैरह भर जाता है बरसात के दिन में, जो अपना ग्राम पंचायत पलगी का जो बड़ा बांध है इधर उसी का पूरा पानी इसमें चढ़ जाता है, तो घूम के जाना पड़ता है। इसमें विशेषकर जो शासन के ऐसे नदी और कितने हैं ऐसे जो पुलिया नहीं बना है ऐसे लगभग अपने ग्राम पंचायत पलगी के जो केकरझरिया में विशेषकर इस पारा में है लगभग 5 या 6 हैं जो आने जाने के लिए केकरझरिया को बहुत रुकावट बने, रुकावट बने, पुलिया नहीं है उसमें। हाँ पुलिया नहीं बच्चे है, भी नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चे आपके स्कूल कैसे जाते हैं फिर? जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो अलग से जो देहाती है छोटा रास्ता है उसी में मेड़ के किनारे किनारे सहारा से स्कूल जाते हैं। मान लीजिए केकरझरिया स्कूल भी है वैसे ही, जो कियारी का मेड़ है उसमें धीरे से पार कर देते हैं। मोतीलाल गौड़। हाँ अच्छा, और कहाँ से हैं आप? ग्राम पलगी परा केकरझरिया। क्या समस्या है? हम लोग का नाला है, नदी है, लड़का से जाते हैं स्कूल में तो कहे कि बहने लगते हैं बरसात के दिन में, दिक्कत पड़ता है। हम लोग यहाँ कहे कि रोड का समस्या है, पुल पुलिया नहीं है,
भाई लड़के बच्चे छोटे छोटे जाते हैं तो पानी बहने लगता है तो भाई स्कूल नहीं जा पाते हैं। राजकुमार पंडो है, राजकुमार पंडो जी केकर झरिया में रहते हैं, ग्राम पलगी है। हमारा समस्या यही है, विशेष समस्या मैं यही देखता हूँ हमारे पारा में कि रोड का है, रोड के बजाय कोई कार्य यहाँ नहीं हो पाता है, बस विशेष पानी तो हम अपने लिए, हमारा पानी तो नहीं है, स्कूल में बोरिंग है, स्कूल के पास मेरा घर है उससे मैं पानी पी लेता हूँ, लेकिन रोड की समस्या बरसात में इतना दिक्कत होता है कि किसी को अगर बीमारी हो जाए तो हम लोग के निकलने में समझ नहीं आता है कि कैसे पहुँचे रोड पे। चलिए बरसात में अभी एम्बुलेंस पहुँचती है क्या यहाँ? अभी एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, अभी भी एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही है, अभी भी नहीं पहुँच। एम्बुलेंस के लिए आप लोग कैसे करते हैं? एम्बुलेंस के लिए जैसे फोन लगवाएंगे या लगाएंगे तो नाला हो गया तो उसको टांग के ले जाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसके बाद हम लोग 3 किलोमीटर दूर रोड में मेन रोड ले जाएंगे ढो के अपने खाट से, इसके बाद वो वहाँ से ले जाएंगे। का नाम है तुम्हार? जगदीश पंडो। कहाँ के निवासी है? ग्राम पलगी के। पलगी इन्हें सब आवा तो उन्हें कहाँ जाता है? तुम्हार का समस्या है? समस्या तो बहुत इधर सब आइए, रोड के समस्या है, पानी के समस्या है, आओ घर दुरा के समस्या है, घर दुरा बनता है सरकारी तरफ से पैसा नहीं पूरा भुगतान हो पाता है, यही तो हम लोग के समस्या है। पुल पुलिया कुछ भी नहीं है, ये रोड भी नहीं है, बरसात में चल नहीं पाते हैं। हमन के पिए खातिर पानी के दिक्कत है बहुत, चुवाड़ी से हमन गड्ढा खोड़ के पानी पिए थी, और पुल के रोड के हमन के सभी समस्या बहुत दिक्कत बहन, ये हमन के दिक्कत है। राम सुरत सिंह पिता महावीर, मैं क्या कहते हैं निवासी हूँ, मैं बहुत सारी दिक्कत है। नहीं नहीं मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे टोला में बहुत परेशानी है, रोड है ना कुछ है, नल है ना पानी है कुछ नहीं, मैं बहुत नदी ढोड़ा से पी रहे हैं, किसी प्रकार मतलब समय गुजार रहे हैं, रोड के बहुत ग्राम पंचायत पलगी के पारा में पहुँचबीन का समस्या अभी अवगत हुआ है, इसके लिए हम लोग पुलिया वहाँ पे मौके की जांच करा के उपयोगंदा से कितना पुलिया लगेगा उसका एस्टीमेट तैयार करके जिला पंचायत को भेजा जाएगा, तब स्वीकृति होने के पश्चात में होगा कार्य कंप्लीट होगा। और जहाँ पे आप पानी की समस्या बता रहे हैं उसके लिए पीएचई विभाग को और ग्राम पंचायत को विशेष हिदायत दे दिया जाएगा और समस्या दूर किया जाएगा, वहाँ पर हैंडपम्प लगाया जाएगा। बलरामपुर से समय जगत के लिए संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।